पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी अक्सर आमने सामने रहते हैं। पिछले हफ्ते हुई पुलिस फायरिंग के दौरान कुछ छात्रों की मौत को लेकर भी दोनों पार्टियों में संग्राम छिड़ गया है। जहां टीएमसी के विरोध में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल बंद बुलाकर कई इलाकों में हंगामा मचाया, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने भी इस बंद का विरोध किया और बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंसा की आग में झुलसा दिया है। कार्यकर्ताओं ने अपने बंद को सफल बनाने के लिए न सिर्फ गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया, बल्कि ट्रेनें रोककर भी लोगों की मुसीबतें बढ़ाईं। दरअसल आज बीजेपी ने पिछले हफ्ते हुई पुलिस फायरिंग के दौरान कुछ छात्रों की मौत को लेकर राज्य में बंद बुलाया है। बीजेपी का कहना है कि सूबे में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जिसे देखो वो ही हथियार उठा लेता है। पहले टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं को मरवा रही थी, अब उसने छात्रों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कई इलाकों में प्रदर्शन किया। इस दौरान नादनघाट क्षेत्र में जहां कार्यकर्ताओं ने रेल रोक दी, तो वहीं कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, कूचबिहार में बंद समर्थकों ने सरकारी बसों को भी तोड़ दिया। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है, इसी के खिलाफ हमने बंद बुलाया है, हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी ने बंद बुलाया है, तो वहीं उनके विरोध में टीएमसी समर्थकों ने आसनसोल में बाइक रैली निकाली। प्रदेश के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने बीजेपी पर बंद के जरिए राज्य के विकास को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये हिंसा फैलाने की साजिश है। आपको बता दें कि उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में दारी भीत गांव में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और फायरिंग में दो छात्रों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि दोनों छात्र एबीवीपी के थे, जिसे लेकर बीजेपी नेता टीएमसी पर आक्रामक है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।